भैया का बर्थडे है और मुझे थोड़ा सा ना ये वाला पसंद आ रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं, नहीं मालूम, ये वाला केक तो काफ़ी अच्छे अच्छे केक्स हैं यहाँ पे, कि कौन सा चूज़ करूँ समझ में नहीं आ रहा। और अम्मी अगर आएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अम्मी नहीं आए तो इसलिए मुझे चूज़ करना पड़ रहा है। ये वाला केक भी अच्छा है ना, तो ये भी अच्छा है, ये वाले भी अच्छे हैं, तो काफ़ी कंफ्यूज हो रही हूँ यार, कौन सा लूँ समझ में नहीं आ रहा। इतने सारे केक्स तो है यहाँ पर, भैया को कौन सा पसंद आएगा समझ में नहीं आ रहा। मतलब लड़कों के लिए अगर केक्स लेना बोला तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखती हूँ कि कौन सा वाला लेना है, फिर लेने के बाद मैं आप लोग के साथ ना शेयर करती हूँ। तो पहले मैं सोच रही हूँ ऐसा वाला कुछ लूँ, वाइट कलर में, लेने के बाद ना आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आज शायद बहुत लोग के बर्थडे से यहाँ पर बहुत लोग हैं, और यहीं पर पार्टी बैलून्स वगैरह अवेलेबल है, तो देख के कुछ ना कुछ करती हूँ मैं, ठीक है। मेरे हस्बैंड आ गए तो अभी वो चूज़ करेंगे, मैं काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी। यहाँ वेनीला के है, बटर स्कॉच एंड वेनीला है उधर, ये पूरे चॉकलेट के एंड लीची फ्लेवर का कहते हैं, ब्लैक करंट, स्ट्रॉबेरी, ये कौन सा मैंगो, कौन सा ये अच्छा है, ये भी अच्छा है नहीं, ये बिल्कुल छोटे बच्चे कट करने के टाइप। पेमेंट करना है इसको, गिफ्ट करना चाहते ना तो रेडी टू पैक है यहाँ पर, बिस्किट्स वगैरह, इतने सारे स्वीट्स है, लेकिन मेरे घर पे ना कोई स्वीट्स नहीं खाती इसलिए नहीं ले रही हूँ मैं। पसंद वाला स्वीट यहाँ पर है गुलाब जामुन और काजू कटली, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्वीट, तो अभी नहीं खा रही हूँ। तो चलो, काजू टर्किश रोल है यहाँ, पिस्ता टर्किश का है, फिर पिस्ता डायमंड, पूरा काजू का रिलेटेड है। पार्टी पैक्स पसंद आया तो ले सकते हो। तो फाइनली मैंने सालर बैग नको, साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन, आई विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सो गाइस, फाइनली हम लोग ने ले लिया है भैया का बर्थडे का केक, तो फटाफट से चलते हैं घर। अभी तो टाइम हो रहा है 11, तो 1 आवर टाइम है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। आज मैं फिर से सेल्फी स्टिक घर पे भूल गई, मेरे हस्बैंड ने सेलेक्ट किया है केक और सब कुछ उन्होंने लिखा है भैया का नाम वगैरह, और मैं फाइनली कैंडल भी भूल गई, और मेरे हस्बैंड ने याद करके कैंडल वगैरह ले लिया है। तो फाइनली वी आर ऑन द वे टू होम। और लास्ट व्लॉग में जैसे कि मैंने बनाया वेकेशन प्लान हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड को कुछ वर्क आ गया था, तो इसलिए हम लोग दिल्ली जाने वाले थे तो नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, इस बार हम लोग कहीं स्पेशल इसमें जा रहे हैं, तो फाइनली आई एम गोना मीट माई, इस व्लॉग में नहीं बताऊंगी, आप लोग को बाद में बताऊंगी, अगर मैं बताऊँ ना यहाँ पर तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ, लोगों को पता चल जाएगा कि मैं वहाँ पर आ रही हूँ, तो इसलिए अभी नहीं बताऊंगी, तो मैं सरप्राइजली बताऊंगी, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद मैं व्लॉग करूँगी डेफिनेटली। ये एंड होम टाउन तो मैं जा रही हूँ, तो वेकेशन तो नहीं हो पाया, एटलीस्ट हम लोग अपना होम टाउन तो जा रहे हैं। तो टिकट्स वगैरह बुकिंग मैंने कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने रात में मेरा दिल तोड़ दिया कि वो दिल्ली नहीं आएंगे, तो उसके वजह से मैं गुस्से में आज ना टिकट्स करके, फिर वो घर आने के बाद मैं बताई थी कि मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि मैं लो फील कर रही थी आज, तो बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। सो गाइज, लास्ट मोमेंट में मैंने मंगवाया है ऑयल बैलून है, 10 मिनट का टाइम है, मैं जल्दी कर लूँगी। ब्लिंकिट मुझे बचा दिया है यार, ब्लिंकिट सच में यूज़फुल चीज़ है, बस 5 to 6 मिनट्स में आ गया मुझे।
सो गाइज, ये सारे चीजें मैं थोड़ा सा जबरदस्ती कर रही हूँ क्योंकि भैया को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने में, कभी भी नहीं बताते इंटरेस्ट। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जिसका भी बर्थडे हो ना तो मुझे अच्छे से सेलिब्रेट करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए यहाँ पर मैं सब कुछ कर रही हूँ। बट ये बहुत छोटी चीज है यार, हर एक घर में होता है केक कटिंग वगैरह, वैसा एक छोटा सा सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग जरूर कमेंट में बताना कि कैसा है केक, और ये वाला केक ना मेरे हस्बैंड ने सेलेक्ट किया इतने बार, इसलिए बोल रही हूँ। मैं काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा वाला लूँ, फाइनली हम लोग ने बटर स्कॉच वाला लिया है। सच में बहुत टेस्टी था केक, और घर पर अम्मी और भैया को भी पसंद। वगैरह हो गया है, और सच में बहुत टेस्टी भी था केक। और आपने कभी केक चोर को देखा है? यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ही हूँ केक चोर। तो सब लोग खाने के बाद फाइनली यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा टेस्ट कर रही हूँ। फाइनली बर्थडे हो गया भैया का, और देखा अमेजोन के बॉक्सेस पूरे बताने का है, कर्टिन्स में बताया ना, और उस वीडियो में अच्छे कर्टिन्स है। गाइज, अम्मी फाइनली यहाँ पर सबके लिए केक भिजवा रहे, जो मेरे नाइबर्स के बच्चे हैं ना यहाँ पर, तो सबके लिए। और हम लोग इतना ज्यादा केक खाते नहीं है, ना ही हमारे घर में बच्चे हैं, इसलिए अम्मी सबके लिए भिजवा रहे हैं केक बच्चों के लिए। तो ये वाला वीडियो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो यहाँ पर अम्मी ने बनाया भैया के लिए रोटी, खीर और आलू का सब्जी, तो भैया बस खाकर ऑफिस निकल गए।